हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप कुमार, आज आपकी एक नई एनसीईआरटी आई है क्योंकि क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी के पांच चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट टू, भारत एवं समकालीन विश्व, इंडियन कंटेम्पररी वर्ल्ड। इसमें देखो, हमने पिछली वाली क्लासेस की एनसीईआरटी में ज़्यादातर क्रांतियों के बारे में जिक्र किया था, उसके बाद दो अन्य जीविका अर्थव्यवस्था के संबंध में पेपर आ गए, है ना, उन चैप्टर्स को हमने देख लिया। अब जो ये क्लास टेंथ की एनसीईआरटी है ना, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री ही है, लेकिन जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इंडो चाइना, कुछ अन्य प्रकार की चीज़ें हम उसमें डिस्कस करते हैं। जैसे इस एनसीईआरटी में हम क्या देखने वाले हैं, पहला घटनाएँ और प्रक्रियाएँ, यूनिट फर्स्ट में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। भाई जब क्या होता है ना, फ्रांस की रेवोल्यूशन होती है, उधर रशियन रेवोल्यूशन और समाजवाद का आना, ठीक है, और कैसे एक प्रकार की जंग स्टार्ट होती है, समानता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा, इस तरह की बात होने लगती है, सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व की बात होने लगती है। उसी प्रकार के में यूरोप में एक प्रकार के राष्ट्रवाद का उदय होता है, और ये राष्ट्रवाद एक भाषा एक देश की संकल्पना धारण करता है। धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं, और पहले यूरोप में धर्म के आधार पर या भाषा जर्मन भाषी हो तो भाषा के आधार पर राष्ट्रवाद का गठन होने लगा। इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, खासकर ये 18वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी के आसपास, ये जो 200-300 वर्षों का इतिहास है, इसमें यही सारे घटनाक्रम हुए। थर्ड चैप्टर में हम भारत के राष्ट्रवाद किस तरह ये यूरोप के राष्ट्रवाद से अलग है, क्या विविधता है, इस सब का बारे में हम जानेंगे। फिर यूनिट सेकंड में जीविका अर्थव्यवस्था और समाज, खासकर ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का बनना, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिकरण का युग, काम, आराम और जीवन, ये तीन चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल, खासकर हमारे जीएस पेपर फर्स्ट, हमारी अवर सोसाइटी, उसके बाद सोशल जस्टिस, इवन ये पॉलिटी और इको वगैरह में भी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, मुद्रण संस्कृति, आधुनिक दुनिया, उपन्यास, समाज, इतिहास वगैरह, इनके बारे में कुल मिलाकर के हमारे 8 चैप्टर हैं। और इन 8 चैप्टर में स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर हैं और मिडिल वाले जो 3 चैप्टर हैं, कुल मिलाकर के 6 चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस वगैरह में इससे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्या घटनाक्रम बने, किस तरह से जर्मनी इटली का एकीकरण हो गया, बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया बिस्मार्क की भूमिका को लेकर के, तो मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही रहते हैं, है ना। अब फ्रेडरिक सारियू, विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न या राष्ट्रों के बीच संधि 1848, ठीक है, एक प्रकार से यूटोपिया, कल्पना आदर्श जिसको बोलते हैं, निरंकुश संस्थाओं को ध्वस्त कर दो और सभी को समानता का अधिकार दे दो, ज्ञानोदय फैला दो, ज्ञान का उदय हो गया, स्त्री पुरुष, है ना, इसमें देख सकते हो स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में खड़े हुए हैं, और इधर भाई साहब ऊपर देखो, ये सब क्या है, ये कल्पना आदर्श एक ऐसा समाज बनाने का, निर्माण करने का स्वप्न देख रहे हैं, इसमें ऊपर देखो देवता वगैरह विराजमान है, नीचे अन्य सामान्य नागरिक, एक लंबी कतार यहाँ से यहाँ तक चली आ रही है। अब क्या मतलब है इसका, 1848 में फ्रेंच कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, इसमें उसने अपने सपनों का संसार रचा, क्या है, जैसे आप लोग सपना देखते हैं ना, IAS बनने के बाद ये गाड़ी लेनी है, वो करना है, उस लड़की से शादी करनी है ना, इधर भौकाल दिखाना है, वो चाचा का लड़का कुछ बोल रहा था उसको दबा के रखना है, इस टाइप के आप एक सपनों का संसार बुनते हैं, उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। अब डेमोक्रेटिक तो आपको पता ही है, जहां पर जनता सारी कुछ देखती है, जनता द्वारा सरकार का चुना जाना, जनता द्वारा संविधान का बनाना, इस तरह की चीजें होती हैं और जनता को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए होते हैं। और सोशल जो रिपब्लिक होता है, गणतंत्र का मतलब होता है जो गण प्रमुख, जैसे भारत में राष्ट्रपति गण प्रमुख है ना, संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में
ठीक है, या संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, प्रधानमंत्री उन शक्तियों का उपयोग करता है। ठीक है, तो सोशल रिपब्लिक बनाना है। इस श्रृंखला में पहले चित्र में यूरोप अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, सभी उम्र सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे, जैसे हमारे यहाँ भारत माता को बेड़ियों में जकड़ा गया, 1947 में बेड़ियां खुल गई। ठीक है, तो फ्रीडम को महिला के रूप में ही ज्यादातर देशों में चित्रित किया गया है, भारत की ही नहीं अन्य देशों में, चाहे फ्रांसीसी जब रेवोल्यूशन हुआ वहां समानता स्वतंत्रता है ना, वोटिंग राइट, इन सभी के अधिकारों की मांग की जाने लगी, राजा की सत्ता को कुचला गया, धीरे धीरे एक प्रकार से संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ, फिर संविधानवाद आया, फिर बनता बिगड़ता रहा। तो वहां पर जो स्वतंत्रता की प्रतिमा थी उसमें महिला का फिगर दिया गया है, तो उसी तरह यहां भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं। मसाल ज्ञानोदय का है, जो उनके हाथ में और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, ठीक है, दोनों चीजें लिखी हुई। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष पड़े हुए हैं, यानी निरंकुश संस्थाओं को गिरा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। सरयू ने कल्पना आदर्श यानी यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, अर्थात अलग अलग देश अलग अलग भाषा के आधार पर राष्ट्रों की पहचान उनके कपड़ों राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है प्रतिमा के पास उसके लोग खड़े हुए हैं। नया शब्द देखो निरंकुशतावाद क्या होता है, निरंकुशतावाद का मतलब सीधा सा अगर समझो कि जब आपकी बात कोई न सुने, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, जब मन चाहे वो जो कुछ करे, ना तो न्यायपालिका हो ना विपक्ष हो, है ना, बस तानाशाही एक प्रवृत्ति हो जाए कि हिटलर साहब आ गए हैं, हिटलर साहब जो कहेंगे वही होगा, बात समझ में आए ना, तो उसको कहते हैं निरंकुशतावाद। ओके, बात समझ में आ गई ना, तो सीधा सा मतलब ऐसी सरकार या व्यवस्था जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत होती हैं और सैन्य बल पर ये आधारित होती हैं और दमनकारी सरकारें होती हैं। बात समझ में आ गई ना, निरंकुश सरकारों का सबसे बड़ा यह है कि पुलिस उनके हाथ में होती है, जब भी आंदोलन करने को निकले पुलिस वाले आए, चार डंडा मार के आपको उठा ले गए, यहां तो देश निकाला दे दिया जाता था। ओके, तो वो होता है निरंकुशतावाद, एबो सोलिज्म, ठीक है, उसको बोलते हैं। कल्पना आदर्श क्या होता है, यूटोपिया एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है, ठीक है, कि 15 लाख भी सबको मिल जाए, सबको सरकारी नौकरी भी मिल जाए और आपको काम भी ना करना पड़े और आपसे आराम से आपका जीवन चलता रहे, तो भैया ऐसा कहाँ हो पाएगा। ठीक है, तो प्रतिमा अभी अभी पहुंचा है, उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। दिलचस्प यह है कि जिस समय सरयू ने यह छवि निर्मित की उस समय क्या हुआ, उस समय जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा तो ये बहुत बाद में बने, वे झंडा थामे हुए हैं। 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य के रूप में गठित करने की इच्छा थी। अब इसमें था कौन, जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजधानी लंबार्डनी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस के लोग हैं। ठीक है, तो उन फिगरों की बात की जा रही है। राष्ट्र क्या है, अर्नेस्ट रेनन बोल रहे हैं, ये कब के दार्शनिक हैं, फ्रांसीसी दार्शनिक हैं, 1823 से 92। 1882 में सबॉन विश्वविद्यालय में दिए हुए व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्या एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था फ्रांसीसी में मतलब राष्ट्र क्या है, ये फ्रांसीसी में लिखा, फ्रेंच हमको आती नहीं। एक लंबे प्रयासों त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, राष्ट्र क्या है, एक लंबे प्रयास त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्यवीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। बात समझ में है ना, एक राष्ट्रीय विचार यानी एक जैसी थिंकिंग पॉलिसी लागू कर दी जाती है।
अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा, एक कॉमन विल, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना, और आगे ऐसे काम करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, लार्ज स्केल सॉलिडॉरिटी है। इसका अस्तित्व राज होने वाला जनमत संग्रह है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो अतीत का गुणगान करते हुए उसके जो त्याग है, निष्ठा है, ठीक है, और एक अथक लंबे प्रयासों के बाद जो बनता है ना, उसका एक चरम बिंदु होता है राष्ट्र, ऐसा कहा है महोदय ने। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई ना? अब यूरोप में लंबे समय तक एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियों और विचार विकसित हो रहे थे, एक सतत प्रक्रिया थी भाई, क्रांतियां उठने लगी, जो राजतंत्र था वो धीरे धीरे जाने लगा, फिर आया जनतंत्र, जनतंत्र और जनमत संग्रह की बात की गई। जनमत संग्रह मतलब एक प्रत्यक्ष मतदान, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को एक से एक प्रस्ताव को स्वीकार अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ये छोटे मोटे देशों के लिए ठीक होता है, भारत जैसे कुछ देशों में जनमत संग्रह बहुत ज्यादा, जैसे रिकॉल, ठीक है, और जनमत संग्रह जैसे ये यहाँ किया गया है, जब जूनागढ़ रियासत वगैरह, कश्मीर रियासत वगैरह, कश्मीर में तो नहीं किया गया, जूनागढ़ वगैरह में किया गया है, जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को भारत में संघ में शामिल किया गया है। ठीक है, कश्मीर में हो नहीं पाया, परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के बल पर ले लिया गया। तो इस तरह से, तो यहाँ पर राष्ट्र राज्य तभी अस्तित्व में आएगा जब चीजें अलग होंगी। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार 1789, पिछली क्लासेज में आपने पढ़ा, स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, और उसके बाद फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था, लुई 16वां। अब ये क्या करता था, अपने हिसाब से काम करता था, करों का बोझ बढ़ता जा रहा था, युद्ध में इतना रत रहा कि कर बढ़ाता बढ़ाता चला जा रहा था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक संवैधानिक बदलाव हुए, उसमें संप्रभुता से संप्रभुता राज्य या प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिक समूहों में हस्तांतरित हो गई। भाई लेफ्ट राइट वहीं तो आए थे, लेफ्ट राइट, ठीक है, जो गद्दी के इधर खड़े हुए वो लेफ्ट थे, जो गद्दी के इधर खड़े हुए लेफ्ट राइट हो गया। तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट विचारधारा वहीं से पनपी, वहीं से शुरुआत हुई। अब क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता किससे, राजा के हाथ से, लुई 16वां के हाथ से निकल गई और फ्रांसीसी नागरिक समूहों के रूप में हस्तांतरित हो गई। और दिक्कत तो बहुत हुई, बस्तील का किला ढहा दिया गया। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों को द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, वे ही इसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों को एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो गई, वो थी पितृभूमि, नागरिक जैसे विचार, ठीक है, मदरलैंड या फादरलैंड, और सिटीजनशिप जैसे विचार, नागरिक विचार। ये दो ऐसे विचार हैं जहां आपको पता लगने लगता है, जैसे भारत माता, भारत हमारी भूमि है और उसको हम माता के रूप में पूजते हैं, बात समझ में आई ना, और नागरिक हम इंडियन है, हमारी सबसे प्रसिद्ध जो पहचान है वो इंडियन है, जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हो गया। फ्रांसीसी एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा मिल गया, राजध्वज की जगह ले ली उसने पुराने जो राजतंत्र का राजध्वज था उसने, जैसे हमारे यहाँ तिरंगा। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। आप देखो स्टेट जनरल एक प्रकार की सभा थी और उसमें सक्रिय, देखो नागरिक समूहों को फ्रांस में, देखो स्टार्टिंग में संविधानवाद तो आया लेकिन दिक्कतों के साथ आया। वहां क्या किया गया, सभी नागरिकों को यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया भाई, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देते तो दिक्कतें फिर और बढ़ती, लेकिन उन्होंने सक्रिय और निष्क्रिय नागरिकों में बांध दिया कि भाई जो कर अदा करता है वो वोट डालने का अधिकारी होगा। वो क्या करेगा, 80,000 लोग 50,000 लोगों को चुनेंगे, 50,800 लोगों को चुनेंगे, ऐसे काम कर गया। ठीक है, तो चुनाव प्रक्रिया नागरिकों के एक समूह द्वारा किए जाने लगी, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, नई स्तुतियां रची गई, सप्ते लिए गए, शहीदों का गुणगान, तो ये सारी चीजें हुई। ठीक है, और फिर फ्रेंच में फ्रेंच जैसी बोली लिखी और बोली जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। एक जर्मन ये ऊपर वाला जर्मन पंचांग है, उसकी कोई मतलब है नहीं। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य
और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों के रूप में गठित करने में मदद करेगा, ये जिम्मेदारी उठाई। और दूसरा देखो, जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई ना, तो दुनिया की या यूरोप की ज्यादातर सत्ताएं डगमगाने लगी, सामंतवाद का क्षरण होने लगा, और धीरे धीरे जो राजशाही थी ना वो भरभराने लगी। वो खुद रोकना चाहती थी फ्रांस की क्रांति को, लेकिन रोक ही नहीं पाए। फिर फ्रांस के विचार धीरे धीरे क्या हुए, यूरोप तक पहुंचे। अपने यहाँ टीपू सुल्तान वगैरह देखो फ्रांसीसी क्रांति से काफी चीजें ग्रहण कर रहा था, राजा राम मोहन राय को देख लो, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो छात्रों शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जो जैकोबिन क्लब बना था उसकी स्थापना करने लगे, विभिन्न अभियान करने लगे। 1790 के दशक में हॉलैंड है, ब्रेंजियम है, स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े इलाकों में जागूसी कौन, फ्रेंच सेनाएं। भाई ये भी तो युद्ध कर रहे थे। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी, ठीक है। अब फिर आया नेपोलियन। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिससे फ्रांस में पहले से ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। अब ये एक तरफ रूसी साम्राज्य है, ये ऑटोमन साम्राज्य है पुराना वाला, और ये वियना कांग्रेस 1815 के बाद का यूरोप का एक प्रकार का नक्शा है, छोटे छोटे देशों में बढ़ गया। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। बेशक उसने क्या किया, जनतंत्र या प्रजातंत्र इसको तो समाप्त कर दिया, लेकिन उसने एक प्रकार से राजशाही फिर थोप दी या तानाशाही थोप दी, लेकिन उसने प्रशासनिक क्षेत्र में अमूलचूल बदलाव किए। क्या, चूंकि सारी व्यवस्था या पूरी व्यवस्था अधिकतर संगत और कुशल बन सके, 1804 की नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। और ये क्या था, असमानता का सबसे चरम बिंदु था। तो इसने क्या किया, जो जन्म आधारित विशेषाधिकार थे कि नहीं जन्म से आपसे ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण ही का काम करते रहोगे, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का काम करोगे, वो सारे विशेषाधिकार को इसने एक झटके में खत्म कर दिया नेपोलियन संहिता के माध्यम से 1804 में। और उसने कानून के समक्ष बराबरी, समानता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, ठीक है। इस संहिता में फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों पर भी को लागू कर दिया गया, जैसे ब्रिटेन में कोई कानून बना भारत में लागू कर दिया जाता था। डच गणतंत्र हो, स्विट्जरलैंड हो, इटली, जर्मनी, नेपोलियन के प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया, किसानों को भूदासत्व, जमींदारी शुल्कों से मुक्त करा दी, श्रेणी संघों के नियंत्रण हटा लिया, उद्योगपति खासकर समान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून क्या करेगा, मानक भार, नाप और राष्ट्रीय मुद्रा से इसके इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन की सहूलियत होगी। तो देखो, जैसे एक देश एक कर है जीएसटी, काफी लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन अपने आप में ठीक है। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो संपूर्ण देश में एक समान हो, है ना, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय जुडिशियली सिस्टम, भाई आईपीसी को चेंज करके भारतीय न्याय संहिता आ गई, इंडियन भारतीय जस्टिस सिस्टम, तो उसके माध्यम से क्या हो गया, या आईबीसी बोल सकते हो, ठीक है, तो उसके माध्यम से एक समान कानून हो गए, हर जगह एक समान लागू होंगे, जीएसटी आया एक तरह से लागू हो गया, है ना, एक देश एक राशन कार्ड की योजना का सफल क्रियान्वयन किया गया। तो इस तरह से क्या हुआ भाई, मानक भार होगा, नाप तौल की एक समान पद्धति होगी, एक राष्ट्रीय मुद्रा होगी, तो सामान और पूंजी का आवागमन एक स्थान से दूसरे स्थान में बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब सोचो, अगर मान लिया यूपी है, उसके बाद एमपी है, अब मान लिया एमपी की मुद्रा अलग है, यूपी की मुद्रा अलग है, तो दिक्कतें आएंगी, ठीक है। जैसे डॉलर है, उसके सापेक्ष रुपये का कीमत बहुत कम है, 83 रुपये के आसपास है एक डॉलर बराबर, तो इससे क्या हुआ भाई, एक समान होता तो चीज़ें खरीदने और बेचने में यह महंगाई ना होती। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, कई शहर जैसे ब्रसेल्स है, मेज है, मिलान है, वर्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। लेकिन यह उत्साह पहले तो स्टार्टिंग में रहा, और लेकिन शीघ्र ही दुश्मनी में बदल दिया गया। क्यों, क्योंकि जब किसी के कल्चर पे हाथ डालोगे,
किसी के कल्चर को खत्म करने का प्रयास करोगे, अपनी चीजों को थोपने का प्रयास करोगे, तो क्या होंगे, एक दिन वही आपके दुश्मन बन जाएंगे। तो वही फ्रांसीसी सेनाओं के साथ हुआ, वहां के लोग उनके दुश्मन बनने लगे, फिर धीरे धीरे फ्रांस की सेनाएं वहां पर लौट गई, नेपोलियन की वाटरलू में हार हुई, जिससे वो सब समाप्त हो गया, वीना की संधि हुई, नेपोलियन का पतन हुआ 1815 में, और यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। ठीक है, तो 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जो आज हैं, ठीक है, जिन्हें आप जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। तब राजशाहियों, डचियों, कैंटीनों में बटे हुए थे, जिसके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, भाई इंडिपेंडेंट एरियाज थे, तो उस तरह से बहुत सारी चीजें थी सुंडरलैंड, और भाषाई आधार पर भी यूरोप कम नहीं था। ठीक है, हालांकि भारत से कम भाषाएं थी, लेकिन इतना ज्यादा अलग अलग था, इतने अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज, अलग अलग चीजें थी, है ना, और अलग अलग जनसमूहों को जोड़कर अगर एक राष्ट्र बिना किसी जैसे वैविध्य के उनके अपनाए, एक भाषा, एक राष्ट्र, एक बोली, इस तरह से एक नियम, एक कानून अगर थोपने का प्रयास करोगे तो काम बनेगा नहीं, बनेगा उल्टा बिगड़ जाएगा। और यही फ्रेंच के साथ हो रहा था, यूरोप में यही हो रहा था। 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियन युद्धों की शुरुआत होती है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। 1400 से 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन का पतन, वियना की संधि। 1821 यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ। 1848 फ्रांस की फिर से क्रांति हुई, और यहाँ आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगर, मजदूर, किसान में बगावत की, मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्व सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी जनमल, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करने लगते हैं। 1859 से 1870 के इटली का एकीकरण होता है। जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 के मध्य होता है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की काफी भूमिका रही। 1905 हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। अब कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, सामाजिक राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, क्योंकि सामंती व्यवस्था के माध्यम से इसने बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर ली थी। ओके, जैसे भारत में कुलीन वर्ग था, वैसे ही वहां पर कुलीन वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साधा जीवन शैली में बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विवादों के आर पार व्याप्त थी। भाई पैसा आएगा तो सभी का जीवन व्यापन का तरीका एक समान होता है। आप शहरों में देख लो, शहरों में जो संपन्न तबका होता है ना, उसका जीवन जीने का तरीका एक समान हो जाता है, एक समान चीज खाएगा पिएगा, और त्योहार मनाने का तरीका में भी समानता आ जाती है। बात समझ में आ गई ना? तो जो क्षेत्रीय विभाजन था, वो उसके आर पार एक ही जीवन शैली में बंधे हुए सभी लोग थे। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद, शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्ग के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े हुए थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा सा समूह था। जैसे अरबपतियों की भारत में बात की जाए तो कितने अरबपति होंगे, 1% 2% बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा हुए तो 5%। ठीक है, तो ये क्या है, आपस में शादी के बंधनों से, भाई 1 करोड़ कमाने वाला 2 करोड़ कमाने वाले से अपनी बच्ची ब्याहेगा, किसी गरीब आदमी से ब्याहेगा। आप IAS बन गई और आप महिला थी, और आप किसी गरीब से शादी करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। आप IAS IPS अपने से बड़ा कोई नेता वेता ढूंढेंगी। ठीक है, पुरुष है तो वो भी जनरली यही करता है, अगर नौकरी पेशा वाला पुरुष है आज की डेट में, तो डिमांड यही है कि नौकरी वाली लड़की चाहिए। तो माँ बाप जाए गड्ढे के तेल में, बात समझ में आ गई ना? तो उसी तरह ये कुलीन लोग क्या करते थे, एक साथ शादी करते थे। ठीक है, अगर आप इंटर कॉलेज के लेक्चरर हैं तो आप प्राइमरी लड़की आपके लिए ठीक है, मतलब लोगे तो पद में आपसे छोटी, IAS हो तो आप IPS ढूंढोगे, IPS हो तो IRS ढूंढोगे, इस तरह से काम करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये कुलीन वर्ग जो था ना, संख्या के लिहाज से बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा था वर्ग, लेकिन ये सब आपस में गुथे हुए थे, जुड़े हुए थे। पश्चिम के ज्यादातर जमीन पर किराएदार छोटे काश्तकार खेती करते थे पश्चिम में, जबकि पूर्वी और मध्य भूमि यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी और भूदास खेती करते थे, दासों का इस समय बोलबाला हुआ करता था। फिर आगे क्या, पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन, व्यापार में वृद्धि, शहरों का विकास, वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिसका अस्तित्व बाजार के उत्पादन पर टिका था। अब देखो, अगर उत्पादन अच्छा हुआ तो बढ़िया बनता चला जाएगा, खराब हुआ तो दिक्कतें आएंगी। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ।
यानी 1850 के आसपास। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्य कुछ हिस्सों तक 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। देखो सबसे पहले औद्योगिकरण जो आया ना इंग्लैंड में ही आया, और सबसे ज्यादा रुपया भी उन्होंने कमाया क्योंकि इनके पास उपनिवेश ज्यादा थे, भारत जैसे उपनिवेश जहां बहुतायत में कच्चा माल इनको मिल जाता था। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग, मध्य वर्ग के जो उद्योगपतियों, व्यापारी, सेवा क्षेत्र के लोग बने। मध्य और पूर्वी भाग में यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। ठीक है, अब क्या हुआ, विशेषाधिकारों के समाप्त के बाद शिक्षित उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता का विचार लोकप्रिय होगा। एक समान सोच समान विचार वाले लोग क्या होंगे, एकजुट होने लगेंगे। उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने, अब उदारवाद का मतलब क्या होता है, लिबरल, लिबरल का मतलब यार आजाद विचार है ना, आजाद विचारधारा वाले। दूसरा, बदलाव इतनी तेजी से ना हो कि लोगों को दिक्कत होने लगे, बदलाव हो धीरे धीरे हो, और कुछ चीजें वैसे ही पड़ी रहें, कुछ चीजों में बदलाव हो, ये उदारवादी मानते हैं। ये 19वीं सदी की सोच है। यूरोप में उदारवादी 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद करीब से जुड़ गया। उदारवादी यानी लिबरलिज्म शब्द लतिन भाषा लिबरल से पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद, फ्री। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, यानी एक तो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, और दूसरा दूसरा समानता। उदारवाद का मतलब यही दो चीजों से जुड़ करके देखा जाता था उस समय। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमत से बनी हो, सोशल वित्त के सिद्धांत पर आधारित हो। सामाजिक क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान, संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था। कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था, अर्थात उदारवादी समानता चाहते थे लेकिन मताधिकार के पक्ष में नहीं। ये मताधिकार सोचते थे, इनका मानना था कि मताधिकार किसको मिले, संपत्तिशाली वर्ग को या ऐसे वर्ग को जो कर वगैरह देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आप पढ़ ही चुके हो, है ना। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति, चीजों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था, और उदारवाद का मतलब होता है फ्री ट्रेड, है ना। सरकारें सिर्फ विनियामक की भूमिका में हो, सरकार मतलब कोई दायित्व तो न थोपे। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का 39 स्टेट का एक महासंघ बन गया। प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतौल प्रणाली थी। 1833 हैम्सबर्ग के न्यू जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का शुल्क, लगभग 5% सीमा शुल्क हर जगह देना पड़ता था। तो 11 जगह से 11, 55 तो यही हो गया, बचा 45% क्या करेगा। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन आकार के अनुसार लगाए जाते थे, हर क्षेत्र की अपनी नापतौल व्यवस्था थी, हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती जाती थी, कहीं 15 मीटर है, कहीं 55 मीटर है, ठीक है। तो इस तरह से दिक्कतें होती थी। नई वाणिज्यिक वर्ग एक ऐसी परिस्थितियां को जो आर्थिक विनिमय और विकास की में बाधक मानते हुए ऐसे एकीकृत क्षेत्र या एकीकृत आर्थिक जोन के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां वस्तुएं, लोग, पूंजी, आवागमन क्या हो, बाधा रहित हो, किसी प्रकार का टैरिफ या पार न हो, और एक जैसी नाप प्रणाली हो, एक इंडिविजुअल विचार हो करके सभी जगह पर 39 के 39 स्टेट में लागू हो जाए। इन मुद्राएं अलग अलग प्रकार की ना हो, एक प्रकार की हो, एक राष्ट्र राज्य के रूप में। रेलवे के जाल ने इसकी गतिशीलता बढ़ा देगा और चीजें बदलेंगी। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे, वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है और कौन आर्थिक बनाम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद कर सकता है, ये सोचने लगे। जर्मनी के ट्यूबिंगेन विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रोफेसर फ्राइडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा कि ज़ाल्वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालात
वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह और उसके हितों की रक्षा करते हुए मजबूत बनाया जाएगा। यानी इनका कहने का मतलब है मूल रूप से भीतरी और बाहरी इलाकों से उत्पादकता को बढ़ाना। कौन सी उत्पादकता? आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाना, जिससे राष्ट्र राज्य मजबूत बन जाएगा, क्योंकि अर्थ प्रधान बन जाएगा। हितों को आपस में जोड़कर एक राष्ट्रीय भावना का निर्माण किया जाएगा अलग अलग क्षेत्रों की, और उनको जगाना उठाना। लोग यह समझ गए कि मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं को उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया हो सकता है, ये इनका महोदय का कहना है। ठीक है, 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आ गया। नेपोलियन के हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे राज्य और समाज को स्थापित राज्य और समाज की स्थापित संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, परिवार को बनाए रखना चाहिए, ये रूढ़िवादी तबका मानता था। ठीक है, अब देखो व्यवस्था एक बार जब किसी जगह खांचे से निकल करके दूसरे खांचे में चली जाती है ना, तो वापस लाना मुश्किल होता है। रूढ़िवादी ये बात समझ नहीं लेते, फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापस नहीं जाना चाहते थे। वापसी कौन चाहेगा भाई वापसी, क्योंकि अब तो हम बेहतर जीवन में आए, अगर फिर वही जीवन में जाना चाहेंगे तो वही चर्च आ जाएगा, फिर राजतंत्र आ जाएगा, सामाजिक ऊंच नीच फिर व्याप्त हो जाएगी, एक वर्ग होगा जो महान संपत्तिशाली वर्ग बन जाएगा, एक वर्ग होगा जो ठीक से अपना बढ़िया जीवन यापन कर लेगा, हम लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कौन जाना चाहेगा? तो रूढ़िवादी एक तबका था जो नहीं जाना चाहता था, एक तबका जाना चाहता था। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था, वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, भूसत्तासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। आई बात समझ में? एक तबका ये मानता था, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा और स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई यहां तक। फिर 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशांत, ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिलते हैं। इस सम्मेलन यानी कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के चांसलर रहे हैं और इसको वियना संधि एक सभी प्रतिनिधियों में एक वियना कन्वेंशन तैयार कर लिया, ट्रिटी ऑफ वियना इसको बोलते हैं। और इनका उद्देश्य उन सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उठाए गए बुरबुर वंश की सत्ता में बहाल किया गया। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर उसने कब्जा किया था नेपोलियन के समय में। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके, यानी उसको वापस वहीं लौटा दिया गया। नीदरलैंड स्थापित किया गया, बेल्जियम शामिल था इसमें, दक्षिण में पीडमंड और जुनोवा जोड़ दिया गया, प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके के रूप में जोड़ दिया गया। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया, मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था वो बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया, प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के पुराने दौर में लौटना था ये रूढ़िवादी तबका, ये चाहता था। ये 1815 के बाद की बात है, वियना कन्वेंशन की बात है। अब 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं क्या थीं? अपने आप में निरंकुश थीं, वे आलोचना और असहमत बर्दाश्त नहीं करती थीं। तो जब आलोचना और असहमत बर्दाश्त नहीं करेंगी तो वो समानता का सिद्धांत कैसे करेंगे, फ्रीडम कैसे देंगे, स्वतंत्रता कैसे देंगे, ये सारी बातें सोचने वाली थी। उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। बात समझ में आ गई ना? अब देखो भाई, चोर के हाथ रखवाली करने को सौंपोगे तो क्या होगा? चोरी रुकेगी कि चार चोरों को और बुला के पूरा घर लूट ले जाएगा, दरवाजे से ही उखाड़ ले जाएगा। हाँ, तो यही हुआ भाई। वियना कन्वेंशन में जितने भी लोग थे ना, उनके सब हित अहित में बदल गए थे भाई। यूरोप में इस तरह के विचार आना, अपने आप में इनको रोकना चाहते थे ये लोग, सामंती व्यवस्था बरकरार रखना चाहते थे। बुरबो वंश को सत्ता पे बिठाने का मतलब क्या था भाई? भाई समझ में आ गए ना? अगर ब्रिटिश वाले 1947 में भारत जाते और मुगल किसी मुगल को पकड़ करके शासन सत्ता दे जाते तो क्या राजवंश या लोकतंत्र आ पाता? नहीं आ पाता। फिर वही मार कटाई चलने लगती।
तो कुल मिलाकर के ये जो दिक्कतें पैदा हुई वो यही थी कि समानता, सेंसरशिप, ठीक है, ये सारे विचार खत्म हो गए। ठीक है, नाटकोर गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता मुक्त के विचार झलकते थे, उन पर भी क्या किया गया, सेंसरशिप और प्रेस की आज़ादी, राष्ट्रवादियों का, उदारवादियों का एक उठाया गया मुद्दा था, उसको भी ये लोग दबाने लगे। ठीक है, ये देख सकते हो सब मुंह बांधे बैठे हुए हैं कि भैया कोई कुछ बोलेगा नहीं, अगर बोलेगा तो क्या होगा, मरेगा। चिंतकों का क्लब 1820 के आसपास बनाया गया, एक अनाम व्यंगचित्र। ठीक है, सब पढ़े लिखे हैं, नियम है, खामोशी हैं। फिर उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियां स्टार्ट हो जाएंगी, गुप्त संगठन उभर कर सामने आएंगे, जो वीना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई संस्थाएं हैं, साथ ही स्वतंत्रता मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना, संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना की आजादी के संघर्ष को अनिवार्य हिस्सा मानते थे। उनका कहना था राष्ट्र राज्य का राज्य तभी बनेगा जब क्रांति होगी, और बिना क्रांति के कुछ भी संभव नहीं है। जैसे हमारे यहाँ HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक लोग चाहते थे, भगत सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, इनका मानना था कि बिना लड़े, बिना बंदूक उठाए, बिना संघर्ष किए आज़ादी नहीं आ सकती। गांधी जी के अहिंसा से आज़ादी नहीं आ सकती थी, बाद में आज़ादी तो इन्हीं केवल से वजह से आई। अब ऐसे ही व्यक्ति एक था इटली का, जैसे जोसिपी मैसिनी, उसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ, मतलब नहीं है व्यवस्था में, इसने क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया था 24 साल की व्यवस्था में। और फिर ये आया, भूमिगत संगठन बनाया, है ना, मसोई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसका सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा थे। इन लोगों को मिलकर के एक संघ, जैसे हमारे यहाँ HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ये क्रांतिकियों का संगठन था। इनका मत था कि बंदूक के बल पर आज़ादी लाना, तो उसी तरह इसने भी बनाया। फिर मोत्सिनी का भी विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों पर के अंदर या नहीं रह सकता, उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंतर्गत एकीकृत गणतंत्र बनाना होगा, ये माना जाता था। ठीक है, ये देखो बैठा हुआ है 1833 का यंग यूरोप की स्थापना करता है, बात समझ में आ गई ना। उसके इस मॉडल की देखी देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन कायम होने लगे। मोसिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न में रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन माना। ठीक है, क्योंकि मेटरनिख भैया कहाँ होता। फिर 1830 यानी 18 सालों का युग एक क्रांतियों का युग है, रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। उदारवाद, राष्ट्रवाद क्रांति से जुड़कर देखा जाने लगा अनेक क्षेत्रों में। ठीक है, जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड, पोलैंड के ऐसे ही कुछ क्षेत्र, इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर हैं, स्कूली अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यवर्ग के लोग, ये सारे क्या करेंगे। प्रथम विद्रोह जो होगा जुलाई 1830 में फ्रांस में हुआ, बूर्बो राजा जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रक्रियाओं के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने क्या किया, उखाड़ फेंका और उसकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया। उसका अध्यक्ष था लुई फिलिप। मेटरनिक ने इस बार यह टिप्पणी की कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है, क्योंकि उसके पहले हो गया था ना 1789 में, क्या हुआ था, फ्रांस में क्रांति का दौर चला, पूरे यूरोप को झेलना पड़ा। ठीक है, तो वही कहा मेटरनिक, क्या बोलता है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप यूके ऑफ नीदरलैंड से वो अलग हो गया। यह घटना जिसने यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग ने राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वही था यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बदलाव आएगा। फिर धीरे धीरे 15वीं सदी के यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, भाई ऑटोमन साम्राज्य महानतम साम्राज्यों में से था 15वीं शताब्दी का। ठीक है, बाद में अरबी उधर से आ गए, तुर्की लोगों ने उसको आधा समाप्त कर दिया, आधा यूरोप में आ गया। यूरोप की में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों की आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया।
यूनान में राष्ट्रवादियों के निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन मिला। प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति जो सहानुभूति रखते थे कवि कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पलना कहा। ठीक है, तो इस तरह से भी यूरोपीय सभ्यता का पलना कहे जाने वाले यूनान के संबंध में, क्रांतियों के संबंध में उसका विवरण दीजिए पूछा जा सकता है। और मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान संघर्ष के लिए जर्मन जुटाया, क्योंकि मुस्लिम एक समस्या थे। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया, युद्ध लड़ने भी गए। 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। 32 में कुस्तुनदुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। ठीक है, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना या यूटोपिया। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृत की और कल्चर की एक अहम भूमिका होती है। कला, काव्य, कहानी, किस्से, संगीत, ये राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग देते हैं। जैसे 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी हमारा रिपब्लिकन डे, इन दिनों पे देखा होगा हजारों देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं, लोग घूमते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो ये क्या है, ये राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने में बड़ा काम करते हैं। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ठीक है, और इतना राष्ट्रवाद आ जाता है, इतना मतलब ताकत आ जाती है, इतना विचार आ जाता है कि पाकिस्तान में जाके बम डाला है उसी दिन भारत के लौंडे। बात समझ में आ गई ना, तो इस तरह काम होता है, छोटी मोटी बात नहीं होगी। वहां फिर सीधे पाकिस्तान में बम डाला जाएगा 15 अगस्त 26 जनवरी को, उसके बाद फिर चाहे लड़कियां छेड़ने लगे, है ना, फिर वो सारा राष्ट्रवाद का विचार धुआं हो जाएगा और चीजें अपने आप बदल जाएंगी। ठीक है, तो देखो देशभक्ति होनी चाहिए, सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को नहीं होनी चाहिए, साल के 365 दिन होनी चाहिए। बात समझ में आ गई ना, तो ये संगीत है, ये किस्से हैं, कहानियां हैं, हाथों में धागा बांधना है, जैसे हमारे यहाँ बंगाल विभाजन हुआ है ना, महिलाओं ने पुरुषों के हाथ में धागे बांधे, है ना, तो ये क्या था, ये एक प्रकार का एक कह सकते हो सांस्कृतिक रीति रिवाज था जो संबंधों को मजबूत बनाता है। और संबंध मजबूत होंगे तो क्या होगा, लड़ने में मजा आएगी। और यही हो रहा था रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना के लिए, चीजें ऐसी ऐसी बनाई जाती थी। रूमानीवाद को देखे तो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो खास तरह की राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना चाहता था। रोमानी कलाकार कवियों ने तर्क वितर्क, जैसे सनी देओल, आग लग जाती है ना जब सनी देओल उस पर स्क्रीन पे आते हैं, विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की, उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति, एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। बात समझ में आ गई ना, जर्मनी दार्शनिक योहान गॉटफील्ड ने जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत, जन काव्य, लोक नृत्यों में प्रकट होते, इसलिए लोक संस्कृत के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। ये सारी बातें होने लगी। प्रबंधों, कहानी, लोक कथाएं राष्ट्र के निर्माण में काफी लाभदायक होते हैं, इनको सुनाया जाने लगा। तो ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, फिर भूख और कठिनाइयों और जनविद्रोह। 1830 के दशक में यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। ठीक है, दशक 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या जबरदस्त वृद्धि हुई। ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी, जैसे वर्तमान में। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि इतनी ज्यादा हो गई कि अब ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उद्योगों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़ों से कठिन प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। ये भारत में हो रहा था, भारत में इंग्लैंड से बने मशीनों का कपड़ा जो भारत में आता था तो प्रतिस्पर्धा नहीं कर, भारत के लोग प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते थे, तो जिससे क्या होगा, भारत का जो वस्त्र निर्माण था वो घट गया और हम आयातित वस्त्रों से का उपयोग करने लगे। तो इस तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे पतनशील हो गई। अंग्रेजों के जाने के बाद हमने उसमें थोड़ा बेहतर बंदोबस्त किया। ठीक है, तो यही यूरोप में कुछ देशों में हो रहा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योगों में झाला झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उत्पादन मुख्यतः घरों छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी सत्ता में थे, कृषक सामंत शुल्क जिम्मेदारियों के बोझ तले तले थे। खाने पीने की चीजों के मूल्य बढ़ने, फसल खराब होने के शहर गांवों में व्यापक गरीबी फैलेगी, और जब गरीबी फैलेगी
तो दिक्कतें और शुरू होंगी और जनविद्रोह स्टार्ट हो जाएगा। 1848 एक ऐसा वर्ष था, खाने पीने की कमी, व्यापक बेरोजगारी, पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए, जगह जगह का अवरोध लगाया गया, लुई फिलिप ने को भागने पर मजदूर किया गया, एक नेशनल असेंबली फिर उठाई गई और 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार का अधिकार दे दिया गया। ये इसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दी गई, ठीक है। अधिकार की गारंटी, काम के अधिकार की गारंटी, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्र कारखाने, लेकिन ये व्यापक बहुत नहीं होता है, दिक्कत करने लगता है। 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कच्चा माल तैयार देकर निर्मित कपड़े लेते थे परंतु दाम बहुत कम थे। पत्रकार विल्हेम वुल्फ ने सिलेसिया के गाँव की घटनाओं का इस प्रकार वर्णन किया है, ठीक है। तो इस तरह हुई उदारवादियों की क्रांति। अब गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे। उदारवादियों ने उनका, जैसे इस समय योगेंद्र यादव को देखा होगा, यादव ये क्या आंदोलनजीवी, जब कभी कहीं कोई भी आंदोलन होता है उसको समर्थन देने चले जाते हैं, उसी तरह उदारवादी थे। ये क्या करते थे, जहां किसानों का विद्रोह, बेरोजगारों का विद्रोह, भुखमरी से ग्रस्त लोगों का विद्रोह होता था, ये वहां चले जाते थे। वही तरह 1848 की घटनाओं से राजा ने को गद्दी छोड़नी पड़ी और आनंद फनन गणतंत्र की घोषणा कर दी कि चलो भैया रिपब्लिक हो गया, है ना, और सभी पुरुषों को सार्वभौमिक मताधिकार या सार्वभौमिक मताधिकार दे दिया गया। दिक्कतें यहीं खत्म नहीं हुई भाई, दिक्कतें तो तब खत्म होंगी, राष्ट्र राज्य के रूप में आप इकट्ठे हो गए, लेकिन लोगों को खाने के लिए, पीने के लिए चीजें कहाँ से इकट्ठी करोगे, तो ये चीजें चल रही थी। अब धीरे धीरे राष्ट्रीय एकीकरण की मांग बढ़ने लगेगी, असंतोष होगा, फिर राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की आज़ादी, संसदीय सिद्धांतों पर आधारित चीजें बनने लगेगी। स्वतंत्रता, समानता, महिलाओं के लिए क्या अर्थ था, तो उस समय कार्ल वेकर ने कहा, देखो प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को, ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि प्रकृति पुरुष और महिलाओं को अलग अलग बनाया है, तो महिलाओं को उनके शारीरिक बनावट के हिसाब से काम मिलना चाहिए और परिवार का रखवाला, भरण पोषण करने वाला उनको बनाया गया है। वह कानून, उत्पादन तथा प्रतिरक्षा के सहित सार्वजनिक कार्यों के लिए, महिला जो कमजोर, निर्भर और दबू है उसे पुरुष की सुरक्षा की आवश्यकता है, ये सारे लोग कह रहे थे। लेकिन चीजें एक ही भाई, महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों से वंचित करना कहाँ तक एक बेहतर बात थी भाई, जब पुरुषों को दिया गया 25 जून 1950 को, महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई बेतुका और अविवेकपूर्ण है। ये पहले भी बात हो रही थी, वर्तमान में तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो जो लोग भाई नारीवादी विचारक उस फ्रांस के क्रांति से संगठित होने लगे थे, ये कोई आज की बात नहीं है, नारीवादी या महिला आंदोलन उसी समय स्टार्ट हो गए थे, आपने फ्रांस की क्रांति में देखा होगा, ठीक है। तो उस समय से स्टार्ट हुए, तो इसका मतलब ये आगे बढ़ गए होंगे और अपने फायदे के लिए, अपने अधिकारों के लिए ये लड़ने पर आमादा हो गए और इनको अधिकार मिलने भी चाहिए थे, ये कोई गाहे बगाहे बात नहीं है ना। उन्हें संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, है ना, जिसका वे इस्तेमाल कर सकती हैं और जिम्मेदारियां भी उठाते थे, उसको प्रॉपर स्वतंत्रता का अधिकार, काम का अधिकार, ये सारी चीजें देनी चाहिए थी, वो क्यों घर का संभाले। और महिलाएं भारत में, देखो NCERB का एक सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बताता है कि प्रत्येक 22 मिनट में एक बलात्कार होता है। महिलाओं का शोषण सर्वाधिक कहाँ होता है, भारत में होता है, ग्रामीण परिवारों में सर्वाधिक होता है, शहरों में भी होता है, और खासकर शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, OBC और गरीब, जो इनके, जिन महिलाओं के पास आर्थिक आधार मजबूत नहीं है, उनका शोषण सर्वाधिक होता है। बच्चों का उसके बाद आता है, बच्चों का, ठीक है, बच्चियों का। तो ये कोई नई बात नहीं है कि आज नया नया हो रहा है, ये हमेशा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखो एक समकालीन रंगीन चित्र, सेंट पॉल की चर्च, फ्रैंकफर्ट संसद है ये, और देखो ऊपर दाएं दीर्घा में ऊपर से नीचे तक सभी लोग बैठे हुए हैं, चर्चा करेंगे, ठीक है। महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया, सेंट पॉल चर्च ने फ्रैंकफर्ट संसद की सभा का आयोजन किया, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया, मतलब महिलाओं को मताधिकार नहीं था। हालांकि रूढ़वादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, ये
किंतु पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाएंगे। राजाओं को यह समझ आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, इतना लंबा झेलने के बाद किसके दिमाग में यह बात नहीं घुसेगी। फिर धीरे धीरे पूर्वी यूरोप हो पश्चिमी यूरोप हो, धीरे धीरे परिवर्तन आरंभ हो गए, और ये परिवर्तन चाहे हैब्सबर्ग के शासक ने हंगरी के लोगों को स्वायत्तता प्रदान की हो या मैग्यारों ने, सबके लिए धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र का निर्माता हो सकती है, तो ये जर्मन लोग सोचते थे, ठीक है। 18 जनवरी 1871 की सुबह देर ठंडी जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वान वेरस्मार समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक वर्षाय के महल में, बेहद ठंडे सी इस महल में हुई, ठीक है। सभा में प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी गई। जर्मनी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। नए राज्य में नए जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया। प्रसाद द्वारा उठाए गए कदम कार्यवाही बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। ये जर्मनी का है, उसी तरह इटली में होता है। जर्मनी की तरह इटली भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था, अनेक वंशानुगत राज्यों, चाहे हैब्सबर्ग का शासन हो, इटली को देख सकते हो, ठीक है। कहाँ गया इटली, इटली 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 अनोवर है, ये है, ये है, रूसी साम्राज्य, पूर्वी पश्चिमी प्रशा, पेमिसोलिया, उत्तरी सागर, इटली, तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये प्रशा का नक्शा है। छोड़ो, जर्मनी के एकीकरण की बात हो रही है। 19वीं सदी के मध्य में इटली सात राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है, जिसमें केवल एक सर्डिनिया पीडमंट का इतालवी राजघरानों का शासन था, बाकी उत्तरी भाग ऑस्ट्रेलिया हैब्सबर्ग के अधीन था, मध्य इलाकों में पोप का शासन था, दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन था, इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था, अभी तक विविध क्षेत्रीय स्थानीय रूप से मौजूद थे। तो कुल मिलाकर के सात क्षेत्रों में बटा था, इसको एक करना वाकई में। फिर 1830 के दशक में जोसेफ मुसोलिनी एकीकृत इतालवी साम्राज्य की घटना का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, और जब पराक्रम तो यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाएगा, फिर युद्धरोह करेगा और इतालवी को राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सर्डिनिया और पीडमंट को दे दी जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही एक इतालवी राजघराना था, बाकी सब बाहरी थे, तो ये लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ के शासक इमैनुअल द्वितीय इनके ऊपर आ जाती है। अबजात वर्ग की नजरों में एकीकृत इटली के लिए आर्थिक विकास, राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना, देखो बिना किसी किसी चाहे पीटमंड हो सर्डिनिया हो, 1859 में आश्रय बलों को हरा पाने में कामयाब हो गया, उसके पीछे किसका काबूर का हाथ था, एक ये भी व्यक्तित्व है, ये चतुर कूटनीतिज्ञ महान चीजें था। तो ये इसने क्या किया, और उसके अलावा नियमित सैनिकों के अलावा गैरीवाल्डी की भी भूमिका महत्वपूर्ण थी। संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल हो गए। और 1861 में क्या हुआ, एकीकृत इटली राजा घोषित कर दिया गया इमैनुअल द्वितीय को। तो इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं था, जैसे पूछा जाए भारत को स्वतंत्र कराने में किसका महत्वपूर्ण योगदान दिया, हाँ, तो इसका मतलब सीधे ना नेहरू का था, ना गांधी का था, ना किसी का था, सबका सामूहिक हाथ था। ब्रिटेन की उसी तरह अजीब दास्तान थे। कुछ विद्वानों ने तर्क किया राष्ट्र राज्य का एक मॉडल आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है, है ना। अचानक हुई कोई उथल पुथल क्रांति का परिणाम नहीं था, ये भी एक लंबे वाली, कोई भी धीरे धीरे नहीं चला, एक लंबी प्रक्रिया के तहत उठना। पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं, द्वीप समूह में रहने वालों अंग्रेज थे, वेल्स थे, स्कॉटिश थे, आयरिश थे, और इनकी पहचान एथनिक तौर पर थी। ये सभी जातीय समूह अपने आप को धीरे धीरे सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से सब अलग अलग पाते थे। फिर धीरे धीरे इनकी एक सांस्कृतिक पहचान बनेगी, और वो सांस्कृतिक पहचान कहाँ से आएगी, धर्म से आएगी, भाषा से आएगी, ठीक है। और धीरे धीरे वो क्या करेंगे, राजतंत्र से सख्त छीनेंगे, एक रक्तहीन क्रांति होगी, एक राष्ट्रीय पोशाक, गैलिक भाषा, जबरदस्त भाषणबाजी, है ना, इन सबको व्यक्त करते हुए धीरे धीरे चीजें बदल जाएंगी। तो उसी तरह ब्रिटेन का एक राष्ट्र राज्य के रूप में उदय हुआ। और उस समय देखो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक जो गुट थे ईसाई धर्म के, वो आपस में बड़ा गहराइयों में थे। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता कर दी,
इस तरह धीरे धीरे इंग्लैंड भी शामिल हो गया, है ना। कोई इकलौता नहीं राष्ट्र राज्य की कल्पना या राष्ट्र दृश्य की कल्पना, किसी शासक को एक चित्र मूर्ति में के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है, ये 18वीं-19वीं सदी में बना। मानकीकरण करने के प्रश्न को हल किया, दूसरे शब्दों में उन्हें देश को कुछ यूं चित्रित किया कि जैसे कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था, राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनते हुए स्त्री रूप में चुना गया। वह असल जीव में कोई खास महिला नहीं थी, या तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। ठीक है, ये एक अमूर्त विचार होता है, ठीक है, अमूर्त विचार होता है। 1860 देखो डाक टिकट में भी आने लगा। जैसे भारत में भारत माता की अगर बात की जाए तो कोई माता थोड़ी थी, कोई महिला थी, उसको इस तरह से उसने किया होगा, नहीं, एक अमूर्त विचार था। और ये दूसरे देशों से ही आया है, हमारा अपना तो है नहीं। सबसे पहले फ्रांस वगैरह में ये शुरुआत होती है और वहीं से ये आदर्श आ जाता है। कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया, ठीक है। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं प्रतीकों में व्यक्त किया गया था। आपको याद होगा जैसे लाल टोपी है, टूटी जंजीर है, इन सब को आमतौर पर एक महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए हुए हैं। आप कोर्ट वगैरह में जाते हो, सत्यमेव जयते कहाँ से, मुंडकोपनिषद से लिया गया। अशोक की लाट में वो भी लगा हुआ था, तो अशोक ने कहाँ से, मुंडकोपनिषद से लिया होगा। उसके अलावा देखो तराजू, एक महिला आंखों में पट्टी बांधे हुए, एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में तराजू लिए हुए, वो एक प्रकार से संकेत मात्र है कि बेशक वो आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन बराबर न्याय बराबर सबको देगी, कोई छोटा अमीर गरीब छोटा बड़ा नहीं है। और दंडित करने के लिए उसने तलवार हाथों में पकड़ी हुई है कि भैया काट डालेंगे अगर गलती की, कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा आपको। बात समझ में आ गई ना। तो ये सब प्रतीकात्मक है। जैसे आपने देखा होगा केसरिया हरा और सफेद, तीन रंग का हमारा तिरंगा है। केसरिया बलिदान का प्रतीक है, ठीक है। हरा, हमारे यहाँ हरी भरी, भाई एग्रीकल्चर कृषि प्रधान देश थे हम और जमीनें हमारी हरी भरी थी, तो हमने उसको मान लिया। सफेद शांति का प्रतीक है, उसमें एक गाढ़ा नीला चक्र बना दिया गया 24 तीलियों वाला। तो चक्र क्या है, निरंतर प्रगति का स्वरूप, ठीक है। उसको हमने एक प्रगति के रूप में ले लिया, और कहाँ से लिया हमने, उसको ले लिया हमने मुंडकोपनिषद से। अशोक की लाट में देखो चक्र चला दिखाया गया है ना। तो इस तरह से उन रूपकों का प्रयोग करने लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। तो आज से अगर पूछा जाए कि ये चिन्ह कैसे बने, तो बता देना आप, फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मरियाना की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और उसमें तादम्य स्थापित कर सके, यानी एकता स्थापित कर सके। मरियान की छवि सिक्कों, डाक टिकटों पर अंकित की गई, जैसे हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। क्यों अंकित की गई, क्योंकि हम उसकी अहिंसा, सत्य, ये दुनियादारी। और देखो टूटी हुई बेड़ियों का मतलब आजादी मिलना, बाज छाप कवच का मतलब जर्मन साम्राज्य के प्रतीक शक्ति, बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी का है, तलवार मुकाबले की तैयारी, तलवार पर लिपटी हुई जैतून की छड़ी शांति की चाह, काला लाल और सुनहरा तिरंगा। 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों ने ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया। उगते हुए सूरज की किरणें, एक नए युग का सूत्रपात, ठीक है। इसी तरह से किया जाता है जर्मेनिया गार्डिस द राइन, राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया, कितना राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। लास्ट वन, 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था, उतना नहीं था, कम पड़ गया। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। पहले जो भाई देखो, जब शुरुआत हम करते हैं ना, आइए जैसे सपोज करो हमने कोई सपना देखा, अब तैयारी आप आईएएस की कर रहे हैं तो इसी की बात कर लेते हैं। आप आईएएस बनने का सपना देखते हैं और इतनी बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं, एक फॉर्च्यूनर खरीद लेंगे, एक लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, अच्छे कपड़े होंगे, सारे लोग पर राजा बन के जाएंगे। लेकिन जब आईएएस बन के किसी जिले में जाते हो, किसी आईएएस से पूछो कैसे काम करना पड़ता है ना, मतलब एक चींटी पर हाथी जैसा भार रख दिया जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, पर्सनल लाइफ जीना दूभर हो जाता है।
ठीक है, तो इतना आसान भी नहीं है। तो उसी तरह जब 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 क्रांति आती है ना, तो सब लोगों को लगता है कि नहीं भैया अब जीवन बदलने वाला है, मोदी जी आए तो 15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन मोदी जी आए हुए 11 साल हो गए, 15 लाख आए क्या? नहीं आए हैं। तो वही हो गया, तो राष्ट्रवाद क्या हो गया? सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों को की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल करने लगे। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र हो गया। ठीक है, बाल्कन प्रायद्वीप, भौगोलिक जातीय भिन्नता थी यहाँ। आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेकिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था यहाँ। ठीक है, ये उस क्षेत्र की बात कर लें जहाँ स्लाव निवासी हैं। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों को फैलाने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति का विस्फोट हो गया। यानी क्या हुआ? स्थिति बेकार खराब हो गई। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य के आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहता था, लेकिन हुआ क्या? किंतु इसे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीय चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बाल्कन लोगों ने आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों के अपने दावे को राष्ट्रीयता का आधार दिया, अलग देश की मांग करने लगे। तो इतने छोटे छोटे देश बन के निकल आए, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने अधीन कर लिया और बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से कोई आज़ादी को वापस लाने के लिए प्रयास के रूप में देखा जाने लगा। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों की पहचान स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, टकराव होने लगे। भाई भारत में क्या है? भारत में आप उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, कम से कम 22 राजकीयकृत भाषाएं हैं, एक इंग्लिश है, राजस्थानी इनको शामिल नहीं किया गया। अन्य 4-6 राज्यों की भाई 28 राज्य हैं, 8 UTs हैं, तो 28 + 8 = 34 हो गए। तो कुल मिलाकर के अगर भाषाओं के हिसाब से जाए 34 भाषाएं होनी चाहिए, लेकिन नहीं, 22 भाषाएं हमारी राजकीयकृत हैं। फिर भी हिंदी और तमिल, दक्षिण वालों ने हिंदी का जबरदस्त विरोध किया। तो देखो अब बाल्कन राज्य क्या था, एक दूसरे से, जैसे देखा ना कि 1947 जब माउंटबेटन आया था ना, तो एक बाल्कनीकरण का प्लान दिया था, भारत का बाल्कनीकरण करना, छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देना। लेकिन नेहरू ये नहीं चाहते थे, गांधी ये नहीं चाहते थे, पटेल ये नहीं चाहते थे। पटेल ये चाहते थे कि वैविध्य में भी एकता उनको नजर आ रही थी और हम सब आप साथ मिल करके काम कर लेते। तो यही टकराव, भारी ईर्ष्या करते थे, हर राज्य के लिए अपने अलग इलाके हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियां और अधिक जटिल हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी, और जब प्रतिस्पर्धा होगी तो रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अपनी शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। ठीक है, अन्य शक्तियां कमजोर हो जाएंगी बाल्कन पर, चाहे रूसी का नियंत्रण हो जाए, जर्मन का नियंत्रण हो जाए, सभी अपने अपने चक्कर में लगे हुए थे। और यही युद्ध वही युद्ध हुए और अंततः प्रथम युद्ध सिद्ध हो ही गया है ना, सिर्फ अपनी ताकत को आजमाने के लिए दुनिया को युद्ध की जाग में झोंक दिया। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। भाई साम्राज्यवाद से जुड़ा हुआ राष्ट्रवाद था, ये साम्राज्यवादी शक्तियां थीं जो राष्ट्रवाद का विचार पनपा रही थीं, और एक एक देश पर अपना, भाई ब्रिटिश भारत में था तो भारत को अपना उपनिवेश क्यों बनाया था? क्योंकि वैचारिक रूप से अपने मालों का निर्यात करने के रूप से ये हमारे ऊपर सॉरी नियंत्रण रखता था। क्यों भाई नियंत्रण रखता था? क्योंकि इसको कहीं ना कहीं लगता था ना कि भैया इनको दबाए रहो, अपना काम होता रहेगा, और जब भी लड़ाई की, भाई दक्षिण एशिया में जब लड़ाई का नंबर आएगा तो हम इनका सहयोग ले लेंगे। तो उसी तरह बाल्कन प्रायद्वीप को भी ये सोच रहे थे। अच्छा, क्षेत्र तो बढ़िया ही था। तो यही साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में क्या हुआ, यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कर डाली है ना। अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगी। हर तरफ साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे
वे अपने स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, चाहे भारत हो, दक्षिण एशिया के देश हो, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के देश हो, अमेरिका तो पहले ही स्वतंत्र हो गया था, सब औपनिवेशिक सत्ताओं के विरुद्ध या साम्राज्यवादी विरोधी ताकतें को दबाने का प्रयत्न करने लगे, आंदोलन बड़े बड़े आंदोलन चलने लगे। ठीक है, राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह के विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित कर लिए। ठीक है, मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया। बात समझ में आ गई यहां तक? अब आते हैं क्वेश्चन पेपर पे, इनके बारे में टिप्पणी, काबुल के बारे में, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रैंकफर्ट संसद, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, ये पांच टॉपिक हैं, पांचों पर लिखना। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? स्वतंत्रता की देवी, एक समान पहचान, एक समान टोपी, एक समान कपड़े। मरियाना और जर्मेनिया कौन थे, चित्रित करना है। जर्मनी, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताना है। बिस्मार्क की भूमिका को बता दो, जर्मन एकीकरण अपने आप हो जाएगा। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या कदम उठाया? एक तो उसने राजतंत्र को पुनः बहाल कर दिया, दूसरा प्रशासनिक क्षेत्र में एक समान नाप सिक्के, है ना, कर को खत्म करना, 39 राज्यों का एक महासंघ का निर्माण करता है, और जहां तक नेपोलियन कोड को लागू कर देता है, और लगभग कोशिश करता है कि चाहे नियम हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, सब जगह एक समान हो जाए, तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें आसान कर देता है। उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए तीन उदाहरण दें। किसी दो देशों पर ध्यान केंद्रित हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हो गए। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों बनता। ये कुल मिलाकर के पांच क्वेश्चन है, ऊपर के पांच क्वेश्चन है, अब मैं आपको चर्चा करनी है, समझने का प्रयास करना है। मेंस इससे अच्छा कहीं आप लिख नहीं सकते, एनसीईआरटी मेंस आपका बहुत अच्छा करा देती है। तो आज यही खत्म करते हैं, एक घंटे की क्लास हो गई है, आपका जी भी उबने लगा होगा, तो पानी पीजिए, दो बार में, दो शिफ्ट में क्लास देखिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।